हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी पीएसएल ऑफिस असिस्टेंट के टाइपिंग को लेकर। ठीक है, जो आपके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और कैसे टाइपिंग की स्पीड बढ़ाई जाए वो भी यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, वैसे ये वीडियो थोड़ा पहले होना चाहिए था बट थोड़ा व्यस्तता होने के कारण मैं ये वीडियो पहले नहीं अपलोड कर पाया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अभी वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है दोस्तों कि ये किस भाषा में होगा, तो मैं आपको बता दूँ ये दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। आपको दोनों करने पड़ेंगे। हिंदी की बात करें दोस्तों तो ये 30 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश की बात करें तो ये 35 वर्ड पर मिनट है। अगर आपने हिंदी क्वालिफाई नहीं किया, इंग्लिश में 35 या 40 भी कर लोगे तो कोई मतलब का नहीं, आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये बनता है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड हो वो 30 हिंदी में कंपलसरी हो। ठीक है, अगर इंग्लिश में मान लीजिए 32 वर्ड पर मिनट भी है तो आपके थोड़े से मार्क्स कम होंगे बस और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हिंदी में आप फेल होते हैं, 30 वर्ड पर मिनट का नहीं लेके आ पाते हैं तो आप सीधा बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए टोटली फोकस करिए आप हिंदी के लिए। ठीक है, और इंग्लिश के लिए क्या करना है हमने आपको पहले ही बता दिया है एक वीडियो में, उस तरीके से भी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए बात करते हैं और थोड़ा सा कितने मार्क्स का होगा। तो ये दोनों जो होंगे टाइपिंग, दोस्तों टाइपिंग जो होगा 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके लिए 5 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, हिंदी के लिए, उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा। और अब बात करते हैं मेन कि टाइपिंग कब शुरू करें। अभी भी कुछ लोग हैं हमें कमेंट करते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, टाइपिंग करें कि ना करें। देखो, मैं आपसे यही कहूँगा, ठीक है, चाहे जो भी हो, अगर आपके मार्क्स 100 प्लस भी है ना, 100 प्लस हैं आप या 100 अराउंड है, तो आप प्लीज़ टाइपिंग करिए। अगर अभी नहीं करेंगे तो आप 30 वर्ड पर मिनट वो भी कृति देव पे, ठीक है, लाना बहुत बड़ी बात है। जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये कितना टफ होता है। तो आप ये करते रहिए, टाइपिंग शुरू करिए। ठीक है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे टाइपिंग। अभी आपके पास समय करीब 2-3 महीने लग जाएंगे आपको आपका रिजल्ट आने में और फिर टाइपिंग डेट आने में। तो समय है आपके पास, आप अपना ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हिंदी की कोचिंग इंस्टीट्यूट में करिए, इंग्लिश की घर पर करिए। ठीक है, चलिए एक बात और हम आपको बता दें कि मिनिमम, जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हो तो बार बार ये सवाल आता है कि कितने घंटे की टाइमिंग होनी चाहिए जिससे कि हम स्पीड अपनी ग्रो कर सकें, जल्दी से जल्दी सीख सकें। देखिए, कोई फिक्स टाइम नहीं है टाइपिंग के लिए। ठीक है, मान आप टाइपिंग, मैं यही कहूँगा कि हिंदी की कोचिंग इंस्टीट्यूट में करिए और कोचिंग में बात कर लीजिए कि सर हमें 1.5 घंटे चाहिए। ठीक है, और घर पर भी यही समय दीजिए इंग्लिश के लिए 1.5 घंटे का। ठीक है, तो दिन भर में अगर 3 घंटे की आप प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ग्रो करोगे। अगर यही 1.5 घंटे में आप हिंदी भी कर रहे हो, इंग्लिश भी कर रहे हो, तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ा सा आप अपने आप को गैप दिया करिए, मतलब जैसे 1.5 घंटे लगातार ना बैठिए, 10-10 मिनट के शिफ्ट ले लीजिए या 15-15 मिनट लगातार टाइपिंग के शिफ्ट ले लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 5 मिनट ही चाहिए। ठीक है, अगर जब 100 मीटर की रेस होना तो दोस्तों 100 मीटर की रेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, मैराथन की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार ये कहा करिए कि 1.5 घंटे घर पे प्रैक्टिस करिए और ये समय डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी आपके डाउट्स हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और दोस्तों बहुत जल्द अनअकैडमी पे भी हम आने वाले हैं, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।